क्रांति महिला स्व सहायता समूह महासंघ की महिलाओं की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। विगत कई वर्षों से यह महिलाएं 12 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष करती आ रही है, किंतु शासन प्रशासन मौन धारण करे हुए हैं। महासंघ जिलाध्यक्ष ज्योति अर्जुन बैरागी ने बताया कि एबी रोड मंडप पुष्कर पर हड़ताल के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाएं धरना स्थल पर चकला बेलन और बर्तन लेकर पहुंची। यहां महिलाओं ने चम्मच से थाली बजाकर व बेलन से चकला ठोककर शासन का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित कराया। जिले की करीबन 3,500 से अधिक महिलाएं हड़ताल पर हैं। आंगनवाड़ी में बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, शासन की योजनाएं ठप है, उसके बावजूद भी सरकार सिर्फ शोषण करने में लगी है। स्व सहायता समूह की महिलाओं की मांग है कि अभी सरकार से 2,000 रुपये प्रति माह मिलता है, इसे बढ़ाकर 9,000 किया जाए। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन संचालक, स्व सहायता समूह अध्यक्ष, सचिव, परिश्रमिक मिले। प्राथमिक स्कूलों में भोजन पकाने की लागत दर में 6.5 से वृद्धि कर 10 रुपये प्रति छात्र हो, वहीं माध्यमिक स्कूल में 8.50 पैसे से बढ़ाकर 15 रुपये किए जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों में छात्र, किशोरी, गर्भवती, धात्री, माता भोजन पर 15 रुपये बढ़ाए जाए एवं भोजन पकाने वाले रसोइयों को 500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किए जाए, आदि अन्य मांगे शामिल है। हड़ताल के दौरान मीडिया प्रभारी अशोक सिलोदिया, भगवंता चौहान, हेमलता चौहान, प्रेमलता कृष्णा सिलोदिया, सकू भारतीय, रुबीना शेख, मंजूबाई, पूजा सलोदिया सहित महासंघ की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट। कौन से संगठन और किन मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं? हमारा प्रांतीय स्व सहायता समूह संगठन है और सारी देवा जिले की महिलाएं हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं और यहां हमारा 1 अगस्त से हड़ताल चल रही है, जिसका 8 अगस्त मंगलवार हो गया है वापिस, और हमारी और प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमें 12 सूत्री मांगे हैं और हमारी जो जो मांगे हैं वो ये है कि हमें परमानेंट किया जाए, पहले तो स्थायी किया जाए, और हमारी 9,000 रुपये